आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया खबर रामबन से। आज रामबन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। ये विरोध प्रदर्शन सरकारी स्कूलों में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही को लेकर था, जिसमें इन छात्रों का कहना था कि जिस तरह से हाल ही में स्कूलों के मास्टरों द्वारा 12वीं के छात्रों से पैसा लेकर प्रैक्टिकल्स में पास किया जा रहा था, वो सरासर देश के आने वाले भविष्य के साथ खिलवाड़ है, जिस पर सरकार को कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए, लेकिन इसको लेकर प्रशासन काफी सुस्त दिखाई पड़ रहा है। आइए सुनते हैं। जिला संयोजक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रामबन, जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे 6 दिसंबर में मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल रामबन में जो एक ब्राइबरी का केस सामने आया है, जो स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ हुआ है, उसके खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का धरना प्रदर्शन है। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे दूर दराज से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, उनके माँ बाप बहुत कम मतलब कि मजदूरी करके पैसा कमाते हैं, तो यहाँ पे टीचरों से बच्चों से जो प्रैक्टिकल में पैसे लिए जाते हैं उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन है। और लगभग 15 दिन हो गए हैं और अभी तक इसका मतलब जो प्रशासन है कोई उन्होंने एक्शन वगैरह नहीं लिया हुआ है। और अखिल ABVP तब तक धरना प्रदर्शन करता रहेगी जब तक जो प्रशासन है उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाती। और जैसा कि हमें भी लग रहा है कि अब जो यहाँ का प्रशासन है अब तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया, तो वो भी करप्ट है, वो भी प्रशासन भी पूरी तरह भ्रष्ट हो चुका है, तो उसके खिलाफ हम कड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी भी तब तक करते रहेंगे जब तक उनके खिलाफ कोई सख्त कड़ा प्रदर्शन मतलब कि कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता। और हम चाहते हैं कि जिन्होंने ये सब किया है उनको सस्पेंड किया जाए, तभी जाके इनको समझ आएगी। ये थी रामबन से बिलाल वानी की रिपोर्ट। आप देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया।